नमस्ते। आज हम देखेंगे कौन सा वाला व्यंजन? घ। आज मैं आपको सिखाऊंगी घ। अब घ से आता क्या क्या है पहले हम सीखेंगे, इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पांच लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5। अब हमको जो सेकंड वाली लाइन है, जो दूसरी वाली लाइन है, उसमें एक सीधी लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर एक लाइन बनाएंगे, फिर देखिए आप यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे मोड़ेंगे, फिर पूरा आपको नीचे तक टच नहीं करना है और वहीं से वापस उसे करेंगे, जैसे हम उल्टा 3 बना रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। आपको दिख रहा है कैसे बनाया हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद में मैंने एक स्लीपिंग लाइन, और मैंने वापस क्या किया, उसे मोड़ा है 3 के जैसे और वहीं से वापस लेकर उसे लिखा है। ये क्या हो गया है मेरा घ। घ से अब आता क्या क्या है हम वो देखेंगे। घ से घोड़ा, घ से घोड़ा, घ से घर, घ से घर, घ से घंटा, घ से घंटा, बेल को घंटा बोलते हैं, ठीक है। घ से घड़ी, घ से घड़ी, क्लॉक को हम बोलते हैं घड़ी। घ से घड़ा, घ से घड़ा, घड़ा जिसमें हम पानी भर के घर में रखते हैं, पॉट, ठीक है। हम देखेंगे अब इसमें और क्या क्या चीजें आती है। घ से घोड़ा टुबुक टुबुक करके आया, घ से घोड़ा टुबुक टुबुक करके आया, फिर क्या हुआ है, एक घंटी भी लाया, फिर क्या हुआ, एक घंटी भी लाया, फिर वो गया एक घर के अंदर, फिर वो गया एक घर के अंदर। देखो घर कितना सुंदर है। घर में हमने क्या देखा, एक घड़ी। देखो घर के अंदर हमने क्या देखा, घड़ी। ये सब चीजें किस चीज से शुरू होती है, घ से। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिख के प्रैक्टिस करनी है। लिखेंगे घ से घर लिखते कैसे है, इसके लिए देख लीजिए पहले 1 2 3 4 5 पांच रेखा है यहाँ पर, फिर हमें दूसरी वाली इससे हमको एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन खींचनी है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्टैंडिंग सीधी लाइन खींचनी है, और देखिए यहाँ से हमें लिखना क्या है, उल्टा 3, लेकिन थोड़ा अलग फॉर्मेट में। यहाँ से देखो, यहाँ इसे हमने वापस इसे लेकर यहाँ पर मैंने इसे जॉइंट कर दिया है, इसे मिला दिया है, ये मेरा क्या बन गया है, घ से घर। अब वापस हम देखेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची है, और बाद में उल्टा बनाते हैं 3। देखो यहाँ से इस तरह से इसे मोड़ दिया है, ये बन गया घ। फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा वाला 3 जैसा बनाएंगे, यहाँ पर मोड़ा, फिर वहीं से आपको उसे मोड़ कर यहाँ पर ले जाना है। ये हमारा बन गया घ। इसे आपको प्रैक्टिस करना है।